एक बार फिर देश में कोरोना अपनी दस्तक दे रहा है। आंकड़े इस कदर बढ़ रहे हैं कि डर है दोबारा साल 2020 वाला समय वापस ना आ जाए। फिर चेहरे पर मास्क, हाथ में सैनिटाइजर और दिल में डर, ये आलम कहीं दोबारा ना आ जाए। कहीं आने वाले नए साल की शुरुआत इस नए वेरिएंट के खतरे से तो नहीं होने वाली। हम आपको डराना नहीं चाहते, पर हाँ, आपको आने वाले इस खतरे से आगाह करना चाहते हैं। दरअसल 8 दिसंबर को दक्षिणी राज्य तिरुवंतपुरम में एक महिला के सैंपल में कोरोना का नया वेरिएंट कोविड JN1 पाया गया था। वहीं केंद्र सरकार मंत्रालय के अनुसार भारत में बीते दिन सोमवार को कोरोना वायरस के कुल 127 नए केस दर्ज किए हैं, जिसमें अकेले केरल से 111 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश भर में कोविड-19 के मामलों की संख्या बढ़कर 1828 हो गई है। कोविड के कारण कल केरल में एक मरीज की मौत भी हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अब तक संक्रमण से उबरने वालों की संख्या 4.46 करोड़ है और मौत की संख्या देश में बढ़कर 5 लाख से पार हो गई है। अगर बात करें केरल से मिले इस नए वेरिएंट की, तो इस पर डॉक्टर्स का मानना है कि ये वेरिएंट उन लोगों को भी संक्रमित कर सकता है जिन्हें पहले भी कोविड हो चुका है, साथ ही उन लोगों को भी कर सकता है जिनको वैक्सीन लग चुकी है। बता दें कि केंद्र सरकार ने भी एक्शन लेते हुए कोविड वेरिएंट को लेकर राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाइजरी में कहा गया है कि आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए सभी लोगों को अब एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है, ताकि इस वायरस के प्रसार के जोखिम को जितना हो सके उतना कम किया जा सके। राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वो इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के जिलेवार आंकड़ों पर नजर रखें, साथ ही नियमित तौर पर इस संबंध में केंद्र सरकार को अपडेट करती रहें। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कोविड को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस प्रदेश भर में लागू की गई हैं। कोविड से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने प्रदेश के नागरिकों से कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील भी की है। CM मोहन यादव ने कहा कि कोविड को लेकर भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं, उसे पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। राज्य के लोगों से अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लोग केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। डॉक्टर यादव ने यह भी कहा कि पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम कोरोना से जीत चुके हैं। इसके अलावा अगर कोरोना तो क्या कोई भी बीमारी आ जाती है, तो उससे निपटने के लिए विभाग अपनी दक्षता से काम कर रहा है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।